वर्क फ्रॉम होम सुनने में जितना आसान लगता है वो होता उतना ही स्ट्रेसफुल है जितना आप ऑफिस में जाके काम करते हैं उतना। कई सारे लोग कई सारे रीजंस के वजह से वर्क फ्रॉम होम करते हैं, बट अभी जो चल रहा है वो है क्वारंटीन के वजह से, मतलब अपने आप को कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होने से बचाने के लिए और दूसरों को भी सेफ रखने के लिए हम अभी सोशल डिस्टेंसिंग एंड आइसोलेशन को फॉलो कर रहे हैं। पर ये कुछ दिनों के क्वारंटीन से ही मैंने कई सारी कंप्लेंट्स सुन ली है कि लोगों को बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस फील हो रहा है घर से काम करने में। उन्होंने ये भी कंप्लेंट की है कि हम ऑफिस में जितना काम करते थे उससे ज़्यादा काम हमें घर में करना पड़ रहा है। जब वर्क फ्रॉम होम की बात आए तो हमें पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा अलग करना पड़ता है, घर में ही बैठे वर्क लाइफ बैलेंस बनाना पड़ता है। पर ये सारी चीज़ें अपनाने के लिए थोड़ा एडजस्टमेंट इश्यूज़ भी आ जाती हैं। नमस्ते, मेरा नाम है रिम्पा सरकार और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम जब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, मतलब घर पे बैठे काम कर रहे हो, तो उस वक्त हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को, मतलब मेंटल हेल्थ को कैसे स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम जितना लग्जरी वाला वर्ड लगता है कि बहुत आराम है, उतना ही वो चैलेंजिंग है। हम ऑफिस में रह के जितने चैलेंजेस फेस करते हैं देखा जाए तो घर पे बैठ के उससे ज़्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं काम करते में। इंटरनेट कनेक्शन, टेलीफोन कोऑर्डिनेशन और भी बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से हमारा काम डबल हो जाता है। तो चलिए जानते हैं हम ऐसा क्या करें कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। तो सबसे पहले है जो आपका रेगुलर रूटीन था आप वही फॉलो कीजिए। अगर आप 10 बजे अपने ऑफिस में लॉग इन करते थे तो 10 बजे ही घर से भी कीजिए, उससे पहले नहीं। और अगर 6 बजे निकल जाते थे तो 6 बजे ही लॉग आउट भी घर पे भी कीजिए। कई बार ऐसा होता है घर पे हम बैठे रहते हैं तो सोचते हैं कि कंफर्टेबल जगह है और ज़्यादा काम कर सकते हैं, तो वो 9 घंटे के काम या 10 घंटे के काम को हम 12 या 13 घंटे का कर देते हैं। तो आप वही रूटीन फॉलो कीजिए जो आप ऑफिस में पहले किया करते थे। एक प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन बनाइए। जितने बजे आप सुबह उठ के नहाते थे, जितने बजे आप एक्सरसाइज करते थे, जिम में जाते थे, वही सारी चीज़ें आप घर पे भी फॉलो कीजिए। एक्सरसाइज के लिए आप घर पे ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, उतने टाइम के लिए ही एक्सरसाइज कीजिए जितने टाइम के लिए आप पहले जिम में करते थे, या फिर मॉर्निंग में कॉफ़ी पी के थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लीजिए जिससे आप थोड़ा फ्रेश फील करें। ये रूटीन आपको फिजिकली और मेंटली हेल्प करेगा एक ही चीज़ को फॉलो करने के लिए। प्रॉपर ब्रेक लीजिए। अगर आप ऑफिस में 11 बजे टी ब्रेक लेते थे और 1 बजे लंच ब्रेक लेते थे एंड देन इवनिंग में फिर 4 बजे टी ब्रेक लेते थे, तो वही चीज़ आप घर पे भी फॉलो कीजिए। छोटे छोटे ब्रेक लेना आपको ही मेंटली रिफ्रेश करता रहेगा। 15 मिनट के लिए जस्ट घर के अंदर ही वॉक कर लीजिए या फिर बिल्डिंग के स्टेयरकेस में भी आप वॉक कीजिए बिना कुछ टच किए, जो कि आपको फोकस करने में मदद करेगा और स्ट्रेस को थोड़ा रिलीज करने में भी मदद करेगा। थोड़ा फैमिली टाइम निकालिए। लगता है कि घर पे ही हैं, घर पे बैठ के काम कर रहे हैं तो फैमिली के साथ ही हैं, पर वो क्वालिटी टाइम आप कितना दे रहे हैं वो डिपेंड करता है। आपका काम अगर 6 या 7 बजे ख़त्म हो जाता है उसके बाद थोड़ी देर रिलैक्स करके आप पॉपकॉर्न बनाइए और फैमिली के साथ में बैठ के एक मूवी देखिए। ये आपको थोड़ा क्वालिटी टाइम देगा आपकी फैमिली के साथ में और आपको थोड़ा रिलैक्स भी करेगा और आपकी ही बॉन्डिंग भी अच्छी होगी आपके फैमिली के साथ में। और आपको सोशलाइज करने का मन कर रहा है तो आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं जो अलग अलग कंट्रीज में कई सारे लोग सोशलाइज कर रहे हैं दूर रहकर भी, तो वो सारी चीज़ें भी आप अपने दोस्तों के साथ में कर सकते हैं। पर आपकी खुद की सेफ्टी, आपके परिवार वालों की और दूसरों की सेफ्टी को देखकर ही वो सारी चीज़ें करें। आखिर में मैं यही कहूँगी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है तो आप थोड़ी रिलैक्सेशन टेक्निक कीजिए। उसके लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के लिए आप YouTube में कुछ वीडियोस देख सकते हैं या फिर बहुत सारे ऐप भी अवेलेबल हैं जिसको आप यूज़ करके अपने आप को काम कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको किसी तरह से मदद कर पाएगा। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड या कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए विश यू अ हेल्दी माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ। स्टे सेफ। बाय बाय।